सामने अपनी बात रखना चाहूंगा। आपको ध्यान देना है, अगर अच्छी लगे तो उस पर अमल करना, अच्छी ना लगे तो अमल मत करना। एक गांव में शादी होकर आई थी, बहू की सास बोली कि चल बेटा तुझे देवी के दर्शन करा लाऊं, मंदिर में चलते हैं। बहू ने कहा चलो माँ जी। पूजा पाठ का सामान हाथ में लिया, आगे आगे सास और पीछे पीछे बहू चल दी। जब मंदिर के हाथ में पहुंची तो सामने दो शेर खड़े थे। शेरों को देखकर बहू डर गई। बहू ने कहा माँ जी ठहरो, सामने शेर खड़े हमें खा जाएंगे, घर वापस चलते हैं। सास बोली बहू तो सीधी आ गई, मेरे तो परिवार का सत्यानाश हो गया। बोली अरे ये तो पत्थर के शेर हैं, देख नहीं रही, ये खा नहीं सकते। बहू ने कहा माँ जी नहीं खा सकते चलो। जब मंदिर के द्वार पर पहुंची तो वहां पर एक गाय के दूध को उसका बछड़ा पी रहा था। बहू ने कहा माँ जी ठहरो, देखो यहाँ कोई आदमी नहीं है और इसका बछड़ा, गाय का बछड़ा गाय के दूध को पिया जाता है, मैं घर से बाल्टी ले आऊं और इसका दूध निकाल के घर ले चलेंगे। सास ने मारा अपने सिर में हाथ, बोली बहू तो बिल्कुल पागल आ गई, मेरे तो बेटे का सत्यानाश हो गया। अरे तू अंधे दिखाई नहीं देती, पागल है, पत्थर की गाय है, पत्थर का बछड़ा है, नहीं ये दूध दे सकते ना दूध पी सकता है। बहू बोली नहीं पी सकता चलो माँ जी। जब मंदिर के अंदर पहुंची तो सास बोली बेटा मांग लेते बीच बैठी है। बहू ने चारों तरफ घूम फिर के देखा, कहा माँ जी अरे ये ना बैठी, माँ जी मुझे तो ऐसे लगे जैसे पत्थर की हूँ, आप पूरे अलवर की महिला इसी से मांगती है, तू भी मांग ले। बहू ने कहा माँ जी मांगने से पहले मेरी बात सुनो, जब पत्थर के शेर हमें खा नहीं सकते, पत्थर की गाय दूध दे नहीं सकती, पत्थर का बछड़ा दूध पी नहीं सकता, तो ये पत्थर की देवी भी मुझे कुछ देने वाली नहीं है। मेरी देवी तो तुम हो, साक्षात देवी हो, जिंदा देवी हो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी तो बदले मुझे प्यार और सम्मान मिलेगा। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, जो घर में असली देवी बैठी है, माँ बहन बहू बेटी के रूप में, बेटा माँ पे डंडा चला रहा है, उसको गाली दे रहा, अपमानित कर रहा है, और वो पत्थर की माँ पे जाके रोच है। जोर से बोलो जय माता की, जोर से बोलो जय। असली माँ पे डंडा, नकली पत्थर की माँ पे लड्डू, तुम्हारा भला होने वाला नहीं है, नहीं है। जब तक इस पत्थर की माता का पीछा नहीं छोड़ोगे, पत्थर की देवी का पीछा नहीं छोड़ोगे, असली देवी जो घर में बैठी है माँ बहन बहू बेटी के रूप में, जब तक इसका सम्मान करना नहीं सीखोगे, तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। ये असली देवी है, असली देवी ये है।